बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू किचन विद दुआ जी। आज हम बनाएंगे गाजरों का हलवा। तो सर्दियां जैसे स्टार्ट हुई हैं तो बच्चों ने फरमाइश कर दी कि मामा गाजरों का हलवा बनाएं, तो यहाँ पे आज मैं तैयार कर रही हूँ गाजरों का हलवा। यहाँ पे मैंने 2 kg गाजरें ली है और इनसे मैं हलवा तैयार करूँगी। तो आप ये देखिए, अच्छी तरह से छिलके रिमूव कर लेंगे और इनको मैं एक साइड पर रखूँगी। तो मैं यहाँ पे इनको मशीन में शेड करूँगी, अगर आप चाहें तो कद्दूकश से भी इनको कर सकते हैं कद्दूकश। तो मुझे जल्दी बनाना था तो इसलिए मैंने मशीन में सब गाजरों को काट लिया था। ये देखिए बिल्कुल 2 मिनट में ये गाजरें शेड हो गई हैं, तो मैं इनको अब निकाल लूँगी एक कढ़ाई में। तो यहाँ पे मैंने कढ़ाई रखी है चूल्हे पे और ये जो गाजरें हैं ये मैं उस पर ऐड कर दूँगी। ये देखें इस तरीके से जी, तो मैं इस तरीके से सारी डाल दूँगी और इनको पकाना शुरू कर देंगे। आपने इसमें कुछ भी नहीं डालना, सिर्फ ये गाजरें डाल के इनका पानी रिमूव करना है। जो ये गाजरें पानी छोड़ेंगी, इनका पानी आपने रिमूव खुश करना है तेज आग। तो यहाँ पे मैंने फ्लेम को ऑन कर दिया है और ये देखें हाई फ्लेम कर दी है ताकि अच्छी तरह से गाजरों को मैं पका लूँ। जो गाजरें पानी छोड़ती हैं इनको खुश करें इस पानी को। तो सबसे पहले आपने इनका पानी खुश करना है और इसमें फिर बाकी की चीज़ें। तो 5-7 मिनट में ये इस तरह से मैंने पका ली थी गाजरें और इनका पानी खुश कर लिया था। पका सकते हैं इस तरह से और कलर देखिए कितना ज़बरदस्त आया रेड कलर। और ये ज़रूर खाना चाहिए, बच्चों को भी खिलाना चाहिए जी। तो यहाँ पे मैंने गाजरों का पानी जब खुश्क हो गया तो इसमें मैंने 1 कप शुगर ऐड कर दी थी और इसको भी अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे जी। तो यहाँ पे शुगर हमारी मेल्ट हो रही है और यहाँ पे मैंने फ्लेम को हाई मीडियम पे रखा हुआ है जी। देखें शुगर मेल्ट हो गई है और इसको पकाएंगे अच्छी तरह से। जी तो इस तरीके से पकाएंगे इसको। तो ये हमारा जो हलवा है बिल्कुल तैयार होने वाला है, तो मैं इसको थोड़ी देर और पकाऊंगी कि मज़ीद ये खुश्क हो जाए। हमें नरम नहीं चाहिए, हमें थोड़ा सा खुश्क चाहिए हलवा जी। तो अब इसमें मैं बटर ऐड करूंगी, 2-3 चम्मच इसमें मैं बटर ऐड कर दूंगी, फ्रेश बटर। तो इससे टेस्ट इसका बहुत अच्छा आता है। तो इस तरह से बटर ऐड करके भी इसको पकाएंगे 5-10 मिनट इसको भूनेंगे बटर के साथ। ये देखिए हलवे ने ऑयल छोड़ दिया, ये देखें एक साइड से, तो ये देखें इस तरीके से ये खुश्क हो रहा है। अब ये देखें ऑयल छोड़ दिया हलवे ने, जो मैंने इसमें बटर डाला था। और अब इसमें मैं दूध डाल दूंगी अच्छी तरह से भून के। मैंने 1/2 kg दूध इसमें ऐड कर दिया है और इसको भी अच्छी तरह से पकाएंगे जी। तो ये प्रोसीजर जो है ज़रा लंबा होता है हलवे बनाने का। ये देखें, ये देखें दूध के साथ इसको अच्छी तरह से पका लेंगे और बिल्कुल ये नरम सब हो जाएगा इस तरीके से। और ढक्कन को बंद कर देंगे। तो अब मैंने ढक्कन उतारा तो देखिए दूध भी खुश्क हो गया इसके साथ ही हलवे के जी। तो अब इसमें मैं बादाम ऐड कर दूंगी जो मैंने भिगो के रखे हुए थे और इसके छिलके उतार लिए थे बादामों के। तो ज़्यादा सारे बादाम मैंने इसमें ऐड किए, इससे बहुत टेस्टी बनता है ये हलवा। तो यहाँ पर मैंने खोया लिया 1 पाव, तो ये 1 पाव फ्रेश खोए का है, ये मैं ऐड कर दूँगी। इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे गाजरों के साथ बिल्कुल। आपने मिक्स करना अच्छी तरीके से जी। तो ये देखें खुश्क हो गया है। तो अब इसको मैं डिश आउट करके दिखाती हूँ आपको।